दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को T20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद अब पांचवें T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए रोहित कोहली से लेकर मोहम्मद शमी पहुंचे बैंगलोर। ये तीनों खिलाड़ी बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर निकलते हुए आए नजर, और इतना ही नहीं, स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करते हुए इन खिलाड़ियों की तस्वीरें हुई कैद। तो आखिर कैसे BCCI ने ऑस्ट्रेलिया की पांचवें T20 मैच में धज्जियां उड़ाने के लिए रोहित कोहली और मोहम्मद शमी की टीम में वापसी की? ऐसे लिया गया अचानक कितना बड़ा फैसला, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है T20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, 5 T20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 3-1 से अपने नाम कर ली है, और पहले शुरुआती 2 मैच टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से अपने नाम किया। तीसरे T20 में ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सीरीज का पूरा रुख बदल कर रख दिया और 2-1 पर ला दिया। लेकिन चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने रायपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने 174 रनों का सम्मानजनक स्कोर रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत शानदार रही, लेकिन 87 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अंत में दीपक चहर और आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में केवल 154 रन ही बनाने दिए, और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 20 रनों से जीत लिया। साथ ही सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया, और भारत की जीत कोई आम जीत नहीं है बल्कि विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला युवा सितारों से निकाल लिया। अब टीम इंडिया का इस सीरीज का अंतिम मुकाबला 3 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन इस मुकाबले से पहले BCCI ने रातों रात इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसे सुनकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपको बता दें, इस मुकाबले के लिए BCCI ने रातों रात रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी को बेंगलुरु बुला लिया है, और ये चारों खिलाड़ी रातों रात बेंगलुरु के लिए रवाना भी हो गए हैं। इन खिलाड़ियों को बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। केवल इतना ही नहीं, है खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जहां रोहित और कोहली अपने बल्ले से खूब चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं मोहम्मद शमी गेंद से कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। आपको बता दें, ये खिलाड़ी अंतिम मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही 10 दिसंबर से शुरू होने वाले अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया को अफ्रीका रवाना होना है, जिसके लिए खिलाड़ी अभी से मैदान में पसीना बहाना शुरू कर दिया है और अफ्रीका में जाकर इतिहास रचने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। BCCI का यह फैसला देखकर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरीके से हैरान हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि 5 मैच में T20 मैच में रोहित कोहली के साथ मोहम्मद शमी टीम में नजर आते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज को 3-1 से जीतकर हार का बदला पूरा कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम T20 मुकाबला बेंगलोर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेट ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके को अच्छे से बनाया। पहले बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में पहाड़ जैसा स्कोर 175 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया था। इस मैच में भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ की पारी ने भारत को मजबूत बनाया, और वहीं अंत में अपने बल्ले से तबाही मचाकर रिंकू सिंह ने केवल 29 गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 46 रन ठोक दिए। वहीं जितेश शर्मा ने भी 19 गेंद में 35 रन की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 87 रनों के स्कोर पर कंगारों ने 4 बल्लेबाजों को खो दिया। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 विकेट चटकाए, तो वहीं दीपक चहर ने भी 2 बल्लेबाजों को चलता किया, और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। भारत की इस जीत से पूरा हिंदुस्तान खुशी से जश्न मनाने लगा, लेकिन हर किसी को विश्व कप के फाइनल का झटका लगा हुआ है। ये भूल पाना इतना भी आसान नहीं है। टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को इस पूरे सीरीज में 5-0 से हराती है तब भी शायद वो दर्द भरने वाला नहीं है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 3 दिसंबर को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। खैर, इंडिया के युवा खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर मैदान पर खेलने के लिए उतर रहे हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां सीरीज जीतने के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव अंतिम मैच के लिए पूरी प्लेइंग 11 का बदल कर रख दिया। सभी खिलाड़ियों ने अब तक के मैचों में शानदार प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ बड़ा सोचा हो और अलग करने का मन बनाया हो, जिससे उन्होंने नई प्लेइंग 11 को तैयार कर लिया। आपको बता दें, अंतिम T20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के साथ साथ विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी शामिल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो अपने गेंद और बल्ले से पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा में रहा दीपक चहर को टीम में शामिल कर लिया है। इन तीनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर सूर्य कुमार यादव ने हर किसी को हैरान कर दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के होश अभी से उड़ गए। तो चलिए हम आपको सूर्य के द्वारा बनाई गई नई प्लेइंग 11 दिखाते हैं। किस खिलाड़ी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाकर इन तीन खिलाड़ियों को शामिल किया है। सूर्य कुमार यादव ने दूसरे मुकाबले के रियल हीरो रहे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर ओपनिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन दोनों की जोड़ी ने इस सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की है। दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में टीम की पारी को शुरुआत देते हैं। इसके आगे कंगारू के गेंदबाज बौने नजर आने लगते हैं।
हैं। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की जगह पर हम श्रेयस अय्यर नजर आने वाले। इनका बल्ला पूरे विश्व कप में खूब दहाड़ा है और जिसे देखते हुए सूर्य कुमार यादव ने इनको टीम में शामिल कर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नंबर चार पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। इन्होंने जिस तरह से कंगारू गेंदबाजों की पहले मैच में धुनाई की थी वो देखकर तो कंगारू गेंदबाज हक्के बक्के हो गए थे, इसलिए वो एक बार फिर इसी पोजीशन पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने नंबर पांच पर तिलक वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाकर जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया। ये भी शानदार बल्लेबाज है, इन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था। अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, इसलिए सूर्य ने एक बार फिर भरोसा जताया है। नंबर छह पर हमें बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच के हीरो रहे रिंकू सिंह नजर आने वाले हैं। उनके कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी निभाते भी हैं, इसलिए सूर्य नहीं पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल के साथ साथ दीपक चहर को अहम भूमिका निभाने के लिए रखा है। पटेल और दीपक बल्ले के साथ साथ गेंद से करिश्मा दिखाने में माहिर हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की भूमिका सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के कंधों पर रखा है और उनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल टीम में होंगे। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सूर्य कुमार यादव ने प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह पर आवेश खान और मुकेश कुमार को टीम में शामिल किया है। वहीं उनका साथ देने के लिए दीपक चहर भी टीम में मौजूद होंगे। इतना इन तीनों की खतरनाक तेज गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो सकती है। अंतिम मैच के लिए यदि भारत की प्लेइंग 11 जो सूर्य कुमार यादव ने तैयार किया। दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद तो पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रोया था, हालांकि हमें तुरंत बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज में हिसाब किताब चुकता करने का मौका मिल गया और पूरी दुनिया को बताया गया कि भारत में चैलेंज की खदान है। पहले दो टी20 मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी ही बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया को हराया। हालांकि तीसरा मैच भी जीतते जीतते हमने गंवा दिया, लेकिन बची खुची कसर हमने रायपुर के मैदान पर चौथे टी20 मुकाबले में निकाली। 2-1 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया रायपुर के मैदान पर चौथे टी20 को अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए रिंकू ने केवल 29 गेंदों पर 4 चौके और 2 खतरनाक छक्के की बदौलत 46, तो जितेश शर्मा ने 19 गेंदों पर तूफानी 35 रन बनाकर 20 ओवर में 174 रनों तक इंडिया को पहुंचा दिया। तो फिर अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी के माया जाल में एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फंसते चले गए। अक्षर पटेल ने तो तहलका ही मचा दिया, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज तो 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। उनके कप्तान ने सबसे अधिक 36 रन बनाए और अंत में टीम इंडिया ने 20 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर 3-1 से टी20 सीरीज की चैंपियन बन गई। जिसके सबसे बड़े हीरो यदि रिंकू को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो वहीं मैच खत्म होने के बाद जमकर जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन इसी दरमियान खुद महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया को बधाई देने उनके पास पहुंच जाते हैं। वो भी काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने धोनी को अपने पास आते देखा वो बेहद भावुक हो गए और धोनी का स्वागत उन्होंने उनके पैर छू कर किया। उनका ये अंदाज देखकर तो आसपास मौजूद सभी खिलाड़ियों से लेकर कप्तान सूर्या भी दंग रह गए, यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान थे। उन्होंने रिंकू सिंह को उठाया और सीने से लगा लिया, रिंकू की पीठ थपथपाई और उनके जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ डाले, उन्हें दोबारा पैर छूने से मना किया। सच में रिंकू ने अपने आइडल के लिए जो किया इसके लिए तो उन्हें सलाम है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी साबित कर दिखाया कि आखिर क्यों वो सबसे महान खिलाड़ी हैं। ये लम्हा तो सबको काफी पसंद आया, यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने रिंकू की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट में कई युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई भी रिंकू सिंह जैसा नहीं है। जिस तरीके से वो बेबाक अंदाज में गेंदबाजों को धोता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आकर भी वो टीम इंडिया को मुसीबत से निकालने में माहिर है। सच कहूं तो उसमें मुझे मेरी झलक नजर आती है, उसने मेरे पैर छुए, हालांकि मुझे पसंद नहीं कोई आकर मेरे पैर छुए, लेकिन उसमें एक ईमानदारी की भावना थी, वो सच में मेरा सम्मान करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे सीने से लगाया, उसने मेरा दिल जीत लिया। और मुझे तो लगता है कि रिंकू आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्होंने रिंकू की काफी तारीफ की और कहा कि वाह रिंकू, पहले अपने टीम इंडिया को जीत दिलाई, फिर माही के पैर छू लिए, आपको भी पता है कि उनकी असली वैल्यू क्या है, सभी माही को इतना पसंद करते हैं, लेकिन उन सब में लगता है कि आप माही के फेवरेट हैं। मुझे आपकी बैटिंग काफी पसंद है, जिस तरीके से आप बल्लेबाजी करते हैं, छक्के लगाते हैं, सच कहूं तो मुझे आप में कहीं ना कहीं माही की झलक नजर आती है। आप कमाल के खिलाड़ी हैं, बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप ही 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ दोस्तों, धोनी और साक्षी भी रिंकू से प्रभावित थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है, रिंकू को 2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।